आइए आपके बीच में महाभारत के प्रसंग से रागिणी। और मौका वो है कि जिस समय पांचाली द्रौपदी को आदेश ये हुआ भाई दुशासन को कि द्रौपदी को दरबार के बीच में लेकर के आना है, दुर्योधन ने आदेश कर दिया। दुशासन पहुंचा और बेरहमी से साथियों लेकर के चल देता है पांचाली द्रौपदी को। जब कुछ कोलाहल और शोर की आवाज हुई तो माता गांधारी निकल करके आती है और एक बात के द्वारा माँ गांधारी से किस तरह से वो पांचाली द्रौपदी कहती है, बाकी हवाला रागिणी के माध्यम से। होकर के हमारे आदरणीय मनोज बैसला सिंह कुशलीपुर से वो 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनके माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। हम बैसला जी का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, बार बार धन्यवाद। आज से पहले है स्कूल का पहले
का आज से पहले स्कूल का कोई मान घटा हता ना देखा, वैश्या और बधकार पता कोई सेल चुभाता ना देखा, अपनी बहु बेटियों को दरबार बुलाता ना देखा, चीर खींच के नारी का यहाँ नजर न चाहता ना देखा, देखा है ना कभी सुना है। इस कुरुवंश के अंदर इतने निर्लज तरीके से किसी स्त्री के साथ अपमान की घटना हो रही है, मां अगर जो इसी तरह से नारी का अपमान होता रहा है तो नाश की नींव 100% जमनी है। किस तरह नंबर 3 के अंदर क्या कहा, शासन घाव जिगर के छोले रहा, स्कूल की महारानी को योदासी कह के बोले रहा, पांच पति की नारी है, पांच पति की नारी है जिसे अक्री मंदी तोले रहा, खींच खींच के आंख मीच के मेरा चूड़ा सर का खोल रहा है, चूड़ा सर का खोल रहा, जूड़े की खातर कर ली, इस जूड़े की खातर कर ली, ओ लाल जूड़ा दमारों ने खत्म होने से बचा लिए तू, इन दोनों परिवारों ने, इन दोनों परिवारों ने। गंधारी को समझाती हुई एक सिंगनी की तरह गरजती हुई, आंखें लाल है और केस खुले हुए हैं, लोगों क्या बताया नंबर। जिस
बिस्तरिया मेरा हचीर खिचे ऐसे तलवार खिचे है रण गिरे लाश पे लाश देख के गिरे लाश पे लाश देख के सबकी आंख में चेहरण में रणचंडी का कहर देख के हाहाकार मचेरण में मांस मसानी खावेंगी ऊंचड़ घर बार जचे